नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रा 24। बहरोड क्षेत्र के मानन कस्बा समीप जंगलों में स्थित सेवा वाली सेवागिरी धाम में महंत पंडित अनिल पुरोहित ने बीती रात आश्रम पर चल रहे सत्संग के दौरान आए दिन बाबाओं को लेकर सामने आ रही रेप व यौन शोषण की घटनाओं से व्यथित होकर और अचानक से पता नहीं उनके दिमाग में क्या सूझा कि किसी धारदार हथियार से अपना लिंग काटकर फेंक दिया। घटना के बाद महंत अनिल पुरोहित लहू लुहान हो गया और चीखने चिल्लाने लगा, तो उनके भक्तों ने महंत को पहले तो नेमराना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, फिर बहरोड के कैलाश अस्पताल में लेके गए, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। महंत की गंभीर अवस्था में एम्बुलेंस से देर रात जयपुर के लिए रेफर कर देने के बाद जयपुर के अपेक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना की चर्चा क्षेत्र में आग की तरह से फैल गई। लोग अब घटना को लेकर तरह तरह के कयास भी लगा रहे हैं। घटना में क्षेत्र में सनसनी फैलने के कारण अभी तक कोई पुलिस मामला दर्ज नहीं हुआ। पुलिस पूरे मामले में अनभिज्ञता व्यक्त कर रही है। इधर घटना में बताया गया है कि महंत का कटा लिंग भी अभी मौके पर ही पड़ा है। रेवाड़ी के भक्त ने महंत पर तंज कसा था, जिससे आहत होकर महंत अनिल पुरोहित ने सत्संग में भक्तों को कुछ बोले। एक भक्त ने यह कह दिया कि अगर आप असल साधु हो तो सांसारिक बंधन से आपका क्या लेना देना, आप सच्चे साधु संत हो तो जब जाने आप अपना लिंग कटवा कर फेंक दें, बस फिर क्या था। अनिल पुरोहित ने धारदार वस्तु से अपना लिंग काटकर भक्तों के बीच में फेंक दिया। जहां एक और पूरे देश के अंदर कभी आसाराम बापू, कभी राम रहीम, कभी दाती महाराज के ऊपर आरोप लग रहे हैं और वो आरोप सिद्ध भी हो रहे हैं, इसी बात से व्यथित होकर अनिल पुरोहित ने भक्त की बात ऐसी चुभी कि उन्होंने भक्तों के बीच में ही सत्संग के दौरान, जो 15 और 30 तारीख को मानन के इस आश्रम में सत्संग होता है, उसी दौरान धारदार हथियार से या यूं कहे किसी ऐसी धारदार चीज़ से अपना लिंग काट दिया और ये सबूत दिया कि वो उन संतों के जैसे नहीं हैं जो आप बात कह रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे रा 24। नमस्कार।